और फोटो खींचा, अपनी काम नहीं किया है, उनको वहाँ से हटाइए। वहाँ पे चुनाव में लड़के और वहाँ पे बाहर के चुनाव, मेरा सिर्फ इतना ही मकसद नहीं है, वो जो रास्ते की दोनों तरफ जो हालात नजर आते हैं उनको ठीक करना है। मेरे लिए जो ज्यादा मुश्किल रहता है, पानी लगा हुआ था, अगर हम 10 दिन का बुकिंग कर लेते तो हमको वहाँ पे छोड़ भी देते, ये समस्या आपको देखते कैसा लगा? मुझे मैंने बोला ना आपको इमोशनली ये सब चीजें बहुत ही टॉर्चरस है, लेकिन मुझे पता है कि ये सबसे पिछड़ी हुई जगह है, लेकिन उस रास्ते के दोनों तरफ जो आप लोगों के घर देखते हैं, झोपड़ी वाले घर भी हमने रास्ते में देखे, आपने देखा होगा, वो हालात बहुत ही खराब है। अभी कल हम लोगों को मकान नहीं दे पाए, जब बाढ़ आता है तो दोनों तरफ जो इतनी दूर तक झोपड़ी वाले सारे लोग दिखे थे, उन सबका घर बर्बाद हो जा रहा है। ये समस्याएं बहुत ही दुखद बात है और थोड़ी सी हास्यास्पद भी है इस वजह से, क्योंकि ये सारी समस्याएं बहुत ही आसानी से ठीक की जा सकती है। कितने सारे स्कीम है जो कि मकान बनाने से संबंधित है, उनको मकान बना के भी नहीं दिया, 74 साल में बाढ़ के लिए कनाल सिस्टम भी नहीं बनाया, तो सबके सामने सारी चीजें हैं, अब बस आगे बढ़ना है। जो अगर हंग असेंबली बनती है तो प्लूरल्स का क्या निकलेगा? जब भी कोई इलेक्शन होता है वो पॉसिबिलिटी होती है, स्पेशली सीक्रेट बैलेट पे एक पॉसिबिलिटी है, एम्पेरिकली सारी सीट पे जितना जीतना और सबके हाथ जाना दोनों की बराबर की पॉसिबिलिटी होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें बहुमत मिलेगा, बहुमत मिलेगा और सरकार बनाएंगे। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे किसी भी हालात में, किसी भी सारे, मैं बार बार नकली नेता कहती हूँ तो कोई जुमला नहीं है इलेक्शन का, मैं बहुत ही डीपली फील करती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम इनमें से किसी भी ऐसे इंसान के साथ जो कि अक्षम ही नहीं है बल्कि जिनकी नीयत भी इतनी खराब है उनके साथ कभी भी गठबंधन करेंगे।